नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन देसवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ट्रैवल इंडिया चैनल में। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो कुछ साइट सीन पॉइंट उसमें मिस हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो उसी वीडियो में मैंने सारे साइट सीन पॉइंट नहीं बताए थे आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए साइट सीन पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट करना, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब अगर हम कुरुक्षेत्र जाते हैं और कृष्ण म्यूज़ियम हमने नहीं देखा तो दोस्तों कुछ नहीं देखा। बेसिकली कृष्ण म्यूज़ियम में भगवान श्री कृष्णा जी के बारे में मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, पेंटिंग के रूप में, स्टैचू के रूप में, और भी काफ़ी तरीके हैं जहाँ जो आपको वहाँ दिखेंगे। मेटल्स की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कठपुतलियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी तरीके से श्री कृष्ण जी के ऊपर डेडिकेट है टोटली ये। और दूसरा, आपको यहाँ मल्टीमीडिया महाभारत देखने को मिलेगी, और गीता जी का बखान यहाँ आपको बाय पेंटिंग आपको किया जाएगा। मतलब कृष्ण भगवान जी के लाइफ से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको इस म्यूज़ियम में मिलेगी, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस म्यूज़ियम में जाके कृष्ण भगवान जी के बारे में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कृष्ण म्यूज़ियम में ज़रूर लेके जाना, एक बहुत जानकारियाँ आपको मिलेंगी वहाँ से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। बेसिकली महाभारत के युद्ध के टाइम पांडवों ने इसी मंदिर में अपनी जीत के लिए शिवजी भगवान के सामने पूजा की थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुरुक्षेत्र विज़िट करते हैं और इस मंदिर में नहीं आपने विज़िट किया तो वो यात्रा आपकी पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों अगर कुरुक्षेत्र जाते हैं तो इस टेंपल में ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ख़ुद भी ब्लेसिंग लीजिएगा। नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट है धरोहर म्यूज़ियम। बेसिकली इस म्यूज़ियम में आपको हरियाणा कल्चर, रिलीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे यहाँ शादियाँ होती हैं, कैसे यहाँ पंचायत होती हैं, कैसे पशुपालन होता था। टोटली आपको पूरे हरियाणा के कल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ। जो हरियाणा है डेफिनेटली उनको अपनी प्राचीन चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा, और जो हरियाणवी नहीं है उनको हरियाणा का कल्चर देख के बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है श्री भद्र का। आपको पता ही होगा सती माता के 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से ये एक शक्तिपीठ है। और महाभारत के टाइम कृष्ण भगवान और पांडवों ने यहाँ आके अपनी जीत के लिए प्रार्थना की थी, और जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना घोड़ा माता जी के मंदिर में सेवा के लिए दान किया था। और यही प्रथा अभी भी चली आती है, लोग यहाँ तांबे के घोड़े यहाँ चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत यहाँ मांगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, और लोग फिर लौट के यहाँ तांबे पीतल के घोड़े यहाँ चढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो साइट सीन पॉइंट है वो है राजा हर्ष का टीला। बेसिकली माना जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र पे शासन चलाया था, तो ये एक आर्कोलॉजिकल साइट भी है, और उनकी कुछ बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो कि अब आर्कोलॉजिकल साइट में आते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पत्थर मस्जिद। पत्थर मस्जिद बेसिकली शेख चिली टॉम का ही एक पार्ट है। ये शेख चिली जी की याद में ही ये मस्जिद बनाई गई है, और ये लाल पत्थरों से बनाई गई है, और ये भी एक आर्कोलॉजिकल साइट है। आप तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये दोनों कुरुक्षेत्र से रिलेटेड वीडियो? आई होप मैं मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे पाया, और अगर वीडियो बनाने में अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स चैनल से अभी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए। थैंक यू सो मच।